अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी टीम के साथ यहाँ पे आज वक्फ बोर्ड के ऑफिस को आए हैं। हमारे चेयरमैन साहब मुजाहिद अली खान साहब और सदर कमेटी हमारे शब्बीर हसन साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद काजिम हुसैन रजवी और मैं सैयद आबिद हुसैन नकवी, हमारे यहाँ पे शकील मूसवी साहब, हम सब मिलके यहाँ वक्फ बोर्ड को आए कि कोई इमाम जामिन की जो केस परसों डिसमिस हुआ लास्ट मंथ, उसका क्या पेश रफ्त है वो मालूम करने की गरज से आए थे चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मुलाकात करने के वास्ते, लेकिन उन्होंने मसूफ है, उन्होंने यहाँ पे दफ्तर को नहीं आए और हम लोग जो है लीगल सेल भी गए। लीगल सेल के जो सुपरिटेंडेंट है अब्बास साहब से ही बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई केस इसको फाइल कर रहे हैं, बल्कि हम ये फॉलो अप करने की गरज से आज हमारी टीम के साथ हम लोग आए पूरा एक डेलीगेशन के तौर पर। ये मालूम हुआ कि केस फाइल हो रही है इंशाल्लाह, देखिए अब हम ये फाइल होने वाला है बोल के हमारे अब्बास साहब जो है हमको इन्फॉर्मेशन दिए, लीगल सेल के जो अब्बास साहब है, और जो है हमको और भी मालूमात मिली हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे हमको पता चला है कि ये जो केस हारे हैं कोहे इमाम जामिन का, वो किस वजह से हारे हैं और किस तरीके से हारे हैं और क्यों डिस्पोज ऑफ हुआ है, क्यों डिसमिस हुआ है केस। तो इंशाल्लाह ये सब मसलों में जो है हम आगे जो है इसके बारे में कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटल प्रूफ के बाद हम इसको जो है एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। और जो लापरवाही करें और जो लापरवाही करेंगे जो लापरवाही करे हैं उसके ऊपर उनके ऊपर जो है हमारी तरफ से शिकायतें दर्ज होंगी, लीगली हम जो है लीगल कार्रवाई करेंगे। जिसने भी ये केस में लापरवाही करे हैं, जो भी लीगल सर वो है लीगल सेल है इसके ऊपर, इसके अंदर जो लापरवाही हुई है उसके ऊपर जो है हम लीगली कार्रवाई करेंगे हम अपनी तरफ से। या आली मदद लब्बैक या हुसैन, मैं सैयद काजिम हुसैन रजवी हमारी पूरी टीम के साथ।